हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे गैरी ने कैसे सायन को टारगेट किया और सचिन को बाउना बोला और सायन ने गैरी को क्या रिप्लाई दिया। साथ ही हम रोडिस के रिलेटेड कुछ छोटी मोटी खबरों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि वहां पर मैं रोडिस के रिलेटेड अपडेट्स देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नायरा के एलिमिनेशन के टाइम नायरा ने सचिन को एक्सपोज किया था, उसे लेकर गैरी ने एक स्टोरी डालकर कहा, क्या सुनाया यार, आज बोलने को मजा ही आ गया। साथ ही गैरी ने सायन का फोटो स्टोरी में डालकर ये लिखा, काम ऐसा करो कि अगले वोट आउट में भी ये प्यादे आपका नाम लिखें। गैरी ने सायन के लिए ये स्टोरी इसलिए डाला क्योंकि सायन ने जब नवीन को वोट आउट किया उस टाइम वोट आउट कार्ड में नवीन को गैरी 2.0 कहा था। गैरी ने पहले भी स्टोरीज में सायन को बहुत बार टारगेट किया हुआ है, पर पहले कभी भी सायन ने गैरी को जवाब नहीं दिया था। बट इस बार सायन ने एक स्टोरी डालकर गैरी को काफी कुछ सुनाया था। सायन ने अपने स्टोरी में ये लिखा, उनके पास मुझे फॉलोअर्स कहने के अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इतना इररिलेवेंट हूँ तो क्यों स्टोरीज में मेंशन करते हो मुझ जैसे नोबडी के वजह से। क्या तुम सो नहीं पाते हो? मैंने ये सो फन के लिए किया, ना कि तुम्हारे जैसे डेस्परेट हो कर किया। अगर मैं फेम के लिए ये सो करता तो रोज रील्स डालता रहता, तुम एक एग्जाम्पल हो के किस तरह से एक डिसेंट ह्यूमन नहीं बनना चाहिए। मैं बॉयज लॉकर रूम टाइप के फैन बेस से ज्यादा इररिलेवेंट रहना पसंद करूंगा, तुम उतना ही इनसिग्निफिकेंट हो, और तुम जैसे लोग ही मुझे इस बात पर गर्व महसूस कराते हो कि मैं कौन हूँ। गैरी ने जो सचिन को बाउना बोला उसे लेकर भी सायन ने ये कहा, इमेजिन एक 5'7" का आदमी किसी और को हाइट शेमिंग कर रहा है। आई होप यू विल इवेंचुअली ग्रो अप। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम सारे फ्रेंड्स हैं और शो के बाद भी अच्छे टर्म्स में हैं, पर उन सब मेमोरीज को देखने से शायद आपको ट्रिगर हुआ है जो कि आपके ईगो के बारे में कहता है। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे रोडिस के छोटी मोटी खबरों के बारे में। नायरा के वोट आउट के बाद सीवेट ने नायरा को बिना मेंशन करते हुए एक स्टोरी डालकर ये कहा, बाय बाय फेक करोगे तो घर जाओगे। लेखा ने भी रिसेंटली एक स्टोरी डाला था जिसमें ये लिखा था, फॉलो अनफॉलो वाला गेम खेल रहे हैं किड्स, एंड कहते हैं गेम से बाहर आके सब सही हो जाते हैं, फेक एंड रियल सब पता चलेगा, ये पब्लिक है सब जानती है, पीस। लेखा ने यहाँ पर शायद सीवेट वासु और प्रियंका गुप्ता को कहा है क्योंकि ये तीनों पहले लेखा को फॉलो करते थे, पर जिस एपिसोड में वासु ने गौतम को डिसरेस्पेक्ट किया था लेखा ने वासु के अगेंस्ट कमेंट किया था और प्रिंस गैंग के लड़कियों को बेटर कहा था, इसलिए शायद वासु सीवेट और प्रियंका गुप्ता ने लेखा को अनफॉलो कर दिया। आशिका ने भी एक स्टोरी डाला क्योंकि हिमांशु ने एक वीडियो शेयर किया था। आशिका ने स्टोरी में ये लिखा, वी आवर सेल्फ हैव एक्सेप्टेड दैट यस, प्रिंस सर के वजह से हम जीते हैं, बट आउट ऑफ नो वेयर गौतम गैंग आर पुटिंग ऑल द एलिगेशंस दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। गाइस टेक ए चिल पिल, प्रिंस सर ने इसलिए ही हमें उस दिन इम्यूनिटी नहीं दिया था, वी ऑलवेज प्ले फेयर, और प्रिंस सर ने उतना ही प्यार और रेस्पेक्ट अर्न किया है, बच्चों बच्चों को पता है बाप बाप होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।